हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपसे बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आपके लाइफ में आपको कहीं ना कहीं पे बहुत ही काम आने वाली है। होता क्या है, जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हैं तो आप एक लैंग्वेज बैरियर फेस करते हैं। मीन्स के फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पाकिस्तान से इटली आ रहे हैं तो आपको इटालियन नहीं आ रही है, तो आप लोगों से किस तरह से कम्युनिकेट करें? क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आ रही है और इटालियन पीपल को जो है इंग्लिश नहीं आ रही है, तो आप उनसे अपना मैसेज किस तरह से कन्वे करें? तो उसके लिए हम एक ऐप यूज़ करते हैं, बहुत ही फेमस ऐप है जिसको हम गूगल ट्रांसलेटर कहते हैं। और इस ऐप को एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट ज़रूरी होता है। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट। तो देखते हैं, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करने के लिए ऑब्वियसली आपको पहले गूगल ट्रांसलेटर ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप उसको गूगल प्ले स्टोर से इजीली फाइंड कर सकते हैं, और अगर आप एक एप्पल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो आप उसकी एप्पल स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, जैसे आप गूगल ट्रांसलेटर को इंस्टॉल कर लेंगे तो आप उसको इजीली ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप गूगल ट्रांसलेटर ऐप को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने वो पर्टिकुलर लैंग्वेजेस जो हैं वो आपने डाउनलोड करनी है, ताकि आप उनको इजीली इंटरनेट के बगैर उनको यूज़ कर सकें फॉर ट्रांसलेशन पर्पस। सो उसके लिए आपने क्या करना है, टॉप राइट कॉर्नर पे आपको इस तरह की कोई ऑप्शन नज़र आएगी, आपने उसको क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट लॉगिन नहीं करना तो वो कोई मसला नहीं, आप विदाउट अकाउंट लॉगिन किए भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सिंपली जाना है डाउनलोड लैंग्वेजेस वाले सेक्शन में, और यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस शो होंगी। आप सिंपली वो लैंग्वेज सेलेक्ट करें, या जितनी भी लैंग्वेजेस आप डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपने वो पर्टिकुलर लैंग्वेज सर्च करनी है और उसके बाद आपने उसको डाउनलोड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इटालियन लैंग्वेज को डाउनलोड करना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर इटालियन फाइंड किया और यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। सो मेक श्योर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पे देखें, इटालियन डाउनलोड हो गया। इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जर्मन लैंग्वेज डाउनलोड करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको फाइंड करके उसको डाउनलोड करूँगी। इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं उर्दू लैंग्वेज को फाइंड करके डाउनलोड करना चाह रही हूँ, तो उसको भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये रही उर्दू, इसको भी डाउनलोड किया, और मैं अपनी मदर लैंग्वेज को भी डाउनलोड करना चाह रही हूँ, लाइक सिंधी। सो ओके, वंस आपकी सारी लैंग्वेजेस डाउनलोड हो जाएंगी तो आपको यहाँ पे देखें, ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं आपने डाउनलोड कर ली हैं। इट मींस कि आप इन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट, ये जहन में रखना है आपने। तो मैं भी आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। पहले आपने करना है क्या, डेटा को करना है ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई मैसेज लिखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रही हूँ हेलो हाउ आर यू, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिंधी लैंग्वेज सिलेक्टेड है, तो ये सिंधी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैसेज भी डिस्प्ले हो रहा है कि ऑफ़लाइन ट्रांसलेशन, मीन्स कि इंटरनेट हमारे पास नहीं है, जो ऑफ़लाइन ट्रांसलेशन आपको होके मिल रही है। तो आप इसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाह रहे हो वो ईज़िली कर सकते हैं। आपने यहाँ पर सिंपली सिंधी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया जो कि बाय डिफ़ॉल्ट था, तो आप यहाँ पे कोई और लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं उर्दू को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो ये उर्दू में आपको यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन मिलेगा। इसी तरह से अगर इटालियन में है तो आप इटालियन में भी इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो प्रोसेस बड़ा ही ईजी है। आपने ये चीज़ आपको बहुत ही काम आएगी। ये कहाँ पर काम आती है, जब आप किसी और कंट्री में जाते हो या किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती है, तो हम वहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करके उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आने वाली दूसरी जो ट्यूटोरियल्स होंगी, मैं उनमें आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह से गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्स्ट, वॉइस, इमेज, डॉक्यूमेंट, किस तरह से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से अवेयर रहें। थैंक यू सो मच।